हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे एकदम नए तरीके का नाश्ता, जिसे हम रात के बचे हुए गेहूं के आटे और आलू से बनाकर तैयार करेंगे। यह नाश्ता बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और चटपटा बनके तैयार हो जाता है। आप इसे जब बच्चों को छोटी मोटी भूख लगे उसमें या शाम में चाय के साथ बना के सर्व कर सकते हैं, या अचानक से मेहमान आ जाए उसमें भी आप आटा फ्रिज से निकालें, बनाएं और सर्व कर सकते हैं। बच्चे हों या बड़े हैं, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। बहुत ही कम टाइम में, बिना झंझट के, और मेन बात है कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और चटपटा बन के तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो देर किस बात की, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज आलू को छोटे टुकड़ों में काट के बॉयल कर लिया है। छोटे टुकड़े में करने से क्या होता है दोस्तों, ये जल्दी बॉयल हो जाता है। इसको ठंडा करके यहाँ पे मैं फोक ले ले रही हूँ। फोक से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहो तो ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हो, सिर्फ ध्यान रखना बड़े टुकड़े नहीं रहने चाहिए। देखिए, इसी तरह मैंने ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पे आधा छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। अगर आपके पास अदरक हो तो ज़रूर डालना, इससे हमारे नाश्ते का टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ में यहाँ पे मैंने दो हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, वो डालेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हो। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो उसके हिसाब से आप दे देना। और साथ में यहाँ पे एक छोटा साइज प्याज को बारीक काट लिया है, वो ऐड करेंगे। और एक चम्मच शिमला मिर्च कटा हुआ डालेंगे। और साथ में एक चम्मच बारीक कटा हुआ गाजर डालेंगे। और इसे स्टफिंग को चटपटा करने के लिए यहाँ पे एक चम्मच भर के नींबू का रस डालेंगे। अगर आपके पास नींबू का रस न रहे तो इसके जगह अमचूर पाउडर या चाट मसाला डाल लेना, इससे हमारा स्टफिंग बहुत ही चटपटा बन जाता है। और यहाँ पे अब थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल लेंगे। यहाँ पे जो आपको सब्ज़ी पसंद हो अपने हिसाब से डाल सकते हो। अब टेस्ट के अनुसार नमक यहाँ पर डालना। और आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, इसके जगह आप मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। आप ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालूंगी, आप अपने हिसाब से इसमें मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर एक्स्ट्रा चटपटा चाहिए तो और डाल सक लेना, लेकिन इतना दिया हुआ बहुत ही मज़ेदार बना था। इसी तरह अच्छे से सबको मिक्स कर लेना है। तो देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसको रखेंगे साइड में। अब यहाँ पर रात का बचा हुआ आटा ले लेंगे। अक्सर घर में रात में आटा बच जाता है जब हम लोग रोटी बनाते हैं दोस्तों, तो आज उसी से नाश्ता बनाएंगे। बिल्कुल नया नाश्ता है। अब मेन बात है कि बिना झंझट के झटपट बन जाता है। बिल्कुल इसके लिए कोई तैयारी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस रात का बचा हुआ आटा लें या सुबह का आटा लें और आराम से आप झटपट 5 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं। तो इसी तरह देखिए, इसका मैंने दो भाग में बांट के दो लोई बना लिया है। अब यहाँ पे क्या करना, या एक लोई लेंगे, यहाँ पर सूखा ड्राई आटा लेंगे और यहाँ पे छिड़क के इसको बेल लेना है। बड़ा सा बेलेंगे, रोटी कितना पतला बेलेंगे और रोटी से बड़ा बेल लेना। दोस्तों, एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मज़ेदार बनता है बिना ताम झाम के। इसके आगे आपको समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सब फीकी लगने लगेगी और हेल्दी भी है क्योंकि गेहूं के आटे का है। तो देखिए, इसी तरह मैंने एक बड़ा सा बेल लिया है, रोटी से बड़ा। इसका थिकनेस मैं दिखा रही हूँ, देखिए दम रोटी के पतला रखिएगा, ज़्यादा मोटा मत कीजिएगा। मोटा कीजिएगा तो हमारा नाश्ता क्रिस्पी नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या करना, कटोरी या गिलास ले लेना, छोटा या बड़ा अपने हिसाब से कर लेना। यहाँ पे मैंने बड़ा कटोरी ले लिया, किनारे किनारे सूखा आटा लगा लेना। वो लगाने से क्या होगा, चिपकेगा नहीं जब आप कट करोगे, ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि रात का बचा आटा है तो कटने में चिपक जाता है। इसलिए मैंने उसके किनारे में सूखा आटा लगा के काटा। देखिए, इसी तरह शेप अपने हिसाब से कर लेना। देखिए, इसी तरह पूरी के जैसा मैंने कट कर लिया है। इस तरह से करने से क्या होगा, एक दफ़ा ज़्यादा बन के पूरी तैयार हो जाएगा और हमारा नाश्ता झटपट बन के तैयार होता है। देखिए, इसी तरह सारा पूरी मैंने तैयार कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना, सूखा आटा यहाँ पर छिड़क के यहाँ पे पूरी को रखना, वरना स्टफिंग भरेंगे तो चिपक जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना, टोमेटो केचप लगा देंगे। ये ऑप्शनल है, बच्चों लोग का फेवरेट रहता है इसलिए मैं लगा रही हूँ, आप चाहो तो नहीं भी लगा लेना। अब यहाँ पे क्या करना, जो चटपटा से स्टफिंग बना था एक चम्मच भर के देना, इवनली फैला लेना, बराबर चारों तरफ अच्छे से स्टफिंग डाल के फैला लेना है। फिर इसको केयरफुली उठा लें। देखिए, सूखा आटा लगाया था इसलिए आराम से उठ गया यह हमारे नाश्ते को। बस इधर से उठा के इधर दाब देना, बस इजीली बन जाता है। इसको बनाना बहुत आसान है, एकदम मिनटों में बन के रेडी हो जाता है। इसी तरह दाब देना हल्के हाथों से। तो देखिए, एक नाश्ता रेडी हो गया, इसे साइड रखेंगे। फिर इसी तरह दूसरा पूरी ले लेंगे। इस पर मैं अमरूद का चटपटा चटनी लगा रही हूँ, एकदम चटपटा तीखा वाला। आपको जैसा चटनी पसंद हो वो लगा लेना। यहाँ पर चटपटा आलू का बैटर डाल देंगे
और इसको फिर इधर एक तरफ से उठाएंगे, दूसरी तरफ इसको चिपका देंगे। बस इजीली कर लेना है, इसी तरह हो जाता है। आप चाहो तो चटनी सॉस नहीं भी लगाओ, प्लेन भी बना सकते हो, लेकिन चटनी सॉस लगाने के बाद इसमें आप अलग से आपको डिप या सॉस या चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरह सारे नाश्ते को रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर एक बाउल लेंगे छोटा सा, इसमें हाफ कप गेहूँ का आटा डालेंगे और यहाँ पे आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। इससे हमारा नाश्ता देखने में प्यारा लगेगा। और टेस्ट के अनुसार नमक डालना और एक चम्मच भर के वाइट वाला तिल डालेंगे और इससे भी हमारा नाश्ता देखने में अच्छा लगता है। दोस्तों अगर कुछ आप बनाएं और देखने में अच्छा लगता है तो और खाने का मज़ा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे क्या करना, पानी ले लेना और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बीच का घोल तैयार करेंगे, न ज़्यादा पतला न ज़्यादा गाढ़ा। देखिए इस तरह का घोल रहना चाहिए। ये रेडी हो गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा मैंने पालक काट के रखा है बारीक काट के, उसको ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए ये रेडी हो गया है। अब क्या करना, वो नाश्ता को लेना, बस इसके अंदर डीप कर देना। देखिए इसी तरह डीप कर लेना, फोक से मैं कर ले रही हूँ, और फिर इस तरह निकालना। और उधर गैस पे मैंने तेल गरम करने चढ़ा दिया, तेल गरम हो गया है, इसे चेक कर लेना। देखिए तेल अच्छा गरम हो गया है। अब यहाँ पे मीडियम आँच कर देना और केयरफुल्ली अच्छे से नाश्ता को डाल देना, जितना एक दफ़ा आ सके डाल देना। और मीडियम टू हाई आँच रखना, यहाँ पे मीडियम टू लो नहीं करना, मीडियम टू हाई, क्योंकि ये नाश्ता बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाएगा। ज़्यादा देर नहीं लगेगा, ज़्यादा 3 से 4 मिनट में ये फ्राई हो जाता है, क्योंकि पतला रोटी की तरह बेला है ये नाश्ते को मैंने, और ज़्यादा देर नहीं लगता है फ्राई करने में। और मीडियम टू हाई आँच पर इसको उलट पुलट करते हुए फ्राई करना है, देखिए। और ये आराम से पलटा भी जाता है, जो आटा का मैंने घोल तैयार किया था ना, आपस में चिपक जाता है, जो इसमें डालते हैं ना, आप चमची से तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। और आराम से देखिए इजीली सब पलटा रहा है, इसी तरह उलट पुलट करते रहना है। और ये नाश्ता दोस्तों बहुत ही मज़ेदार बनता है और बिल्कुल कम टाइम में और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होता है। और अगर मान लिया अचानक आपके यहाँ गेस्ट आ जाएँ, तो आप या बच्चों को छोटी मोटी भूख जो शाम में लग जाती है, मम्मा कुछ दो खाने के लिए, तो बाहर से लाने की आपको ज़रूरत नहीं है, झटपट आटा निकालें, बनाएं और बच्चों के साथ एंजॉय कर लें। तो देखिए इसी तरह उलट पुलट करते हुए दोनों तरफ प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इसको तेल से साइड करते हुए इसी तरह निकाल लेना है। इसी तरह दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया है, दूसरे नाश्ते को भी निकाल लिया है दोस्तों। तो देखिए कितना ईजी वे में, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, चटपटा, क्रिस्पी, वो भी रात के बचे हुए आटे का नाश्ता बनके रेडी हो गया है। बिल्कुल नए तरह का नाश्ता है ये नाश्ता। देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है, एकदम क्रिस्पी, तो आवाज़ सुन ही के आपको पता चल जाएगा। देखिए कितना क्रिस्पी लगा, आवाज़ सुन ही के लग रहा है, ऊपर नीचे क्रिस्पी होता है और अंदर सॉफ्ट रहता है। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी ज़रा सा भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बाय दोस्तों, मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।